हेलो, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अपने SBI के क्रेडिट कार्ड को, जो कि ई कार्ड, जो कि आपके SMS और ईमेल पर आता है जब भी आप SBI का कोई क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं, तो जैसे कि अभी आपको पता है कोविड चल रहा है तो इस वजह से कार्ड डिले आता है, तो आप उस ई कार्ड को भी एक्टिवेट करके उसे ऐसा फिजिकल कार्ड की तरह यूज भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके मोबाइल पर कुछ इस तरह का मैसेज आता है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, और आपको ईमेल पर भी कुछ इस तरह का एक ईमेल आपको SBI कार्ड की तरफ से मिलता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा होता है, डियर कार्ड होल्डर, वेलकम टू द SBI कार्ड फैमिली। तो मैं इस कार्ड को आपको एक्टिवेट करके और अपनी लिमिट वगैरह आपको बताऊँगा, मुझे कितनी लिमिट मिली हुई है और इसे आपको सेटअप कैसे करना है। देखिए यहाँ पर एक पासवर्ड होता है जो कि आपके डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है, तो मैं इसके नीचे की तरफ करता हूँ। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा व्यू ई कार्ड, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ई कार्ड पर क्लिक कर देते हैं तो आपको यहाँ पर अपना नाम और अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करना होगा, तो मैं ये कर देता हूँ एंटर। अपना पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देंगे आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा SBI कार्ड की तरफ से, तो वो OTP भी आपको यहाँ पर एंटर करना होगा, तो मैं वेट करता हूँ मेरी OTP का। OTP एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे, देखिए आपको ये कॉन्ग्रेचुलेशन बोलेगा आपके नए कार्ड के लिए, और ये भी बोलेगा कि ये कार्ड आपका 5 वर्किंग डेज में आपको डिलीवर हो जाएगा, लेकिन अभी कुछ टाइम लगता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्क्रॉल डाउन टू रिवील क्रेडिट कार्ड का CVV, तो मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, देख पाएंगे कि मेरा SBI का BPCL वाला क्रेडिट कार्ड है। यहाँ पर आप कार्ड नंबर और CVV वगैरह देख पाएंगे। इसके बाद आप रजिस्टर करेंगे और रजिस्टर नाउ पर दोबारा क्लिक कर देना है। देखिए आपको यहाँ पर अपना यूजर नेम और अपना पासवर्ड एंटर करना होगा, तो आप अपनी पसंद का यूजर नेम सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि वो यूजर नेम किसी ने भी नहीं लिया होगा तो आपको मिल जाएगा, यदि वो किसी और ने ग्रैब कर लिया होगा तो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो मैं चेक करता हूँ अपने यूजर नेम। और यूजर नेम इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड इंटर करना होगा, जो भी आप पासवर्ड बनाना चाहते हैं। इसके बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर हमें बता रहा है यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड टू SBI कार्ड ऑनलाइन, लॉग इन विथ योर न्यू यूजर ID एंड पासवर्ड टू कम्प्लीट ऑन बोर्डिंग। तो मैं यहाँ पर लॉग इन नाउ पर क्लिक कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पर अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा, तो यहाँ पर आपने जो अपने यूजर नेम बनाया था और पासवर्ड, वो दोनों आपको एंटर करने होंगे। तो मैं अपने यूजर नेम और पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। इसके बाद आपको लॉगिन के बटन पर क्लिक कर देना है। देखिए आपके मोबाइल नंबर पर फिर से OTP आएगा और आपकी ईमेल आईडी पर, तो आपको OTP फिर से इंटर करना होगा। जैसे ही आपको OTP मिल जाता है तो आपको OTP इंटर करना होगा और उसके बाद आपको वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पर मुझे फिर से लिखा रहा है ब्रिजेश सिंह और वेलकम टू SBI कार्ड, विथ SBI कार्ड एंजॉय टू फ्रीडम एंड मैनेज योर क्रेडिट कार्ड। और यहाँ पर एक चीज़ और लिखी हुई है, कंप्लीट योर डिजिटल ऑनबोर्डिंग एंड ऑन योर फर्स्ट ऑनलाइन स्पेंड ऑफ 1000 और मोर गेट 100 रिवार्ड पॉइंट आपको मिलेंगे। जब यदि आप इसे 5/6/2021 आपके में टाइम लिमिट अलग होगी, तो मैं यहाँ पर गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर अब आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है और अपने क्रेडिट कार्ड का एक पिन बना लेना है, तो मैं अपने क्रेडिट कार्ड का पिन बना लेता हूँ। उसके बाद आपको इसे कन्फर्म विद OTP पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP गया होगा, आपको एंटर करना होगा। इसके बाद ये ऑटोमेटिक बन जाएगा और यहाँ पर बताया है यू हैव सक्सेसफुली चेंज टू योर पिन कार्ड नंबर, और अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। मंथली स्टेटमेंट के लिए हमें अपना ईमेल आईडी को सब्सक्राइब कर दिया है, उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है।
इंटरनेशनल यूज यदि आप करना चाहते हो तो एक्टिवेट कर सकते हैं, मैं अभी नहीं करूँगा तो मैं स्किप दिस स्टेप कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर वेलकम अब्रॉड कुछ बेनिफिट्स बताए जा रहे हैं इस क्रेडिट कार्ड के, जो कि मेरा SBI BPCL क्रेडिट कार्ड है। तो आप देख सकते हैं 2000 एक्टिवेशन बोनस रिवार्ड पॉइंट वर्थ 500 ऐसा वेलकम गिफ्ट, 4.25% का वैल्यू बैक मिलेगा आपको। और ये इस कार्ड के बेसिकली बेनिफिट्स के बारे में बताया जा रहा है, और यहाँ पर मेरी फ़ीस बताई जा रही है कि मुझे 499 रुपये देना होगा, और मेरी रिन्यूअल फ़ी और मेरी कार्ड की क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी है वो भी बता रहा है। और साथ ही बता रहा है मेरी बिलिंग साइकिल कि मेरा हर महीने 13 तारीख को बिल बनेगा। तो अब इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, और आप ये नीचे ये भी देख सकते हैं कि आप इसका पेमेंट किस तरह से कर सकते हैं, योनो से कर सकते हैं, नेफ्ट से और पे नेट से। इसके बाद आपको यहाँ पर फिनिश करना है। देखिए यहाँ पर बताया है, कॉन्ग्रेचुलेसन यू हैव सक्सेसफुली अपडेट द सेटिंग फॉर योर SBI क्रेडिट कार्ड। अब आपको डन पर के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप डन के बटन पर क्लिक कर देंगे आपको यहाँ पर अपना होम पेज दिख जाएगा, आपको अपना कार्ड देखेगा और उसके रिलेटेड सारी डिटेल, क्रेडिट लिमिट वगैरह। तो ये था पूरा प्रोसेस कैसे आपको अपने क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट करना है, ई क्रेडिट कार्ड को। यदि आपको ये जानना है कि इस कार्ड को मैंने कैसे अप्लाई किया था तो आप नीचे कमेंट करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि मैंने कैसे अप्लाई किया था, या इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।